यार जुनेद पहले भी ये भाग गया था, इस दफा इसको भागने नहीं दे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारी हेल्प के साथ मैं इसको पकड़ सकूं। अब इसको भागने नहीं देना। राफे भाई बेफिक्र हो जाओ, इस बार इसको छोड़ना नहीं है। इसको हम पकड़ते हैं और उसका रिमांड लेते हैं सही से। सेट है? बिल्कुल डन, बिल्कुल। तो गाइस आर यू रेडी? रेडी। हाँ तोते तो भाई अच्छे हैं ही हैं, क्योंकि वीडियोस अच्छे तो तोते ही अच्छे होंगे ना यार। बताओ सबसे अच्छी वीडियो अब तक की कौन सी है? हवा पापा तो बहुत था यार। बस कुछ टाइम से मेरे पीछे FBI वाले लगे, मुझे डर है वो मुझे पकड़ ना ले यार, इसलिए मुझे छुपना पड़ता है। यार बस FBI वाले बोल रहे हैं कि यार मिस्टर एस जी बहुत पैसे कमाने, क्या बताऊंगा, कोई वीडियो नहीं देखता यार मेरी। मिस्टर एस जी तुम्हारा खेल अब खत्म होता है, यू आर अंडर अरेस्ट। बच्चों बचाओ मुझे। अभी मिस्टर एस जी को मार दिया, भागो। चलो गाड़ी में चलो, बहुत तंग करके रखा है। चलो यू आर अंडर अरेस्ट। चलो इसे बहुत तंग किया इसे, बहुत हो रहा है, आज नहीं तुझे छोड़ूंगा। मिस्टर एचडी आज तू अपनी ख्याल मना, आज तेरा इनकाउंटर होगा मेरे हाथों, अब छोड़ेंगे तेरे को। मिस्टर एचडी इसने इतना तंग करके रखा है, इतना तंग कर, देखो मासूम चेहरा देखो इसका। मासूम बन के बैठा हुआ है, हर चैलेंजेस अजीब और गरीब चैलेंजेस लेकर आता है, तंग करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज तो भाई इसका रिमांड होगा सही से। हाँ कुछ कहना चाहिए? बचकर रहूंगा मैं इनसे, पकड़ नहीं सकते यार। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये लोग मुझे छोड़ सकते हैं, अभी भी वक्त है, आप मुझे सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, वरना ये मुझे मार कर रहेंगे गाइस, ये साजिश है। हाँ बस सही, थोड़ी देर में बोलेगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, वो तो आप करने वाले, तो आप टेंशन नहीं लेने का अपू ने। हाँ यार तुम लोग ही वैसे हो रहा है, इतने लोग वीडियो भी नहीं देखते यार, पता नहीं क्या चल रहा है यार। इतना अच्छा कॉन्टेंट बनाने का फायदा ही क्या है, अब मैं व्लॉगर बन रहा हूँ यार। तो गाइस हमारी सुबह हो गई है, तो भाई सुबह सबसे पहले हम तो नाश्ता बनाने के लिए जाएंगे अपना। क्या जिंदगी हो गई है यार, इतनी मेहनत, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। चाहे तुम लोग सब्सक्राइब करो ना करो, मैं अच्छा कंटेंट बनाता रहूंगा और ऐसे स्टील कंटेंट से दूर रहूंगा। बेटे अब रोने का कोई फायदा नहीं है, तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, जब तू कर रहा था सारे काम। अब तेरा एनकाउंटर होने वाला है, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, ये ना हो गया मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश सुनने से पहले तुझे मारूं। यार मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आज मेरा रोजा है और मैं मरने से पहले अफतारी करना चाहता हूँ, वो भी जंगल में अफतारी करना चाहता हूँ मैं। चल आज तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, और तेरी आखिरी ख्वाहिश के साथ जंगल में दे सर मंगल भी करेंगे। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है, इसका मतलब है आज तुझे ठोक देंगे। पर तू हमें नहीं ठोक दिया, आगे देख के गाड़ी चला। 10 गाड़ियाँ ठोक चुका हूँ, ये तुम लोगों के पैसों की गाड़ी है, FBI वाला हूँ, तुम लोगों से लेता हूँ, खर्च करता हूँ, ठोकता हूँ, जैसे आज मैं इसको ठोकूंगा। यार भाई यहाँ पे समोसे वाला, यार ये समोसे रोल वगैरह ले लेंगे यार यहाँ पे। अभी लेते हैं, ठहर, तुझे दे के देता हूँ सब, तुझे सब तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। अभी कॉल कर रहा हूँ बंदों को, बंदे बुला रहा हूँ, देख तेरी को ठोकने के लिए बंदे आ रहे हैं। छोड़ यार रहने देते हैं, आखिरी ख्वाहिशें बिचारे की। चलो यार इसकी अफ्तारी की सामान वगैरह लेते हैं, इसको अफ्तारी करवाते हैं, फिर इसको हलाल करेंगे। देख तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, भागियो मत, क्योंकि भागेगा जहाँ भागेगा वहीं गोली मारूंगा। भाई मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं यार। देख मैं पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं हूँ जो तेरी बातों पे आ जाऊंगा, मैं UK से पढ़ के आया हूँ, और अगर तूने ज्यादा शान पट्टी की तुझे पता है मैं क्या करूंगा। वैसे UK में शान पट्टी भी पढ़ाई जाती है। चलो भाई यार राफे भाई इसको साथ लेके चलते हैं, उसको बोल देते हैं कहीं भागने की कोशिश ना करे। यार तुझे साथ लेके चल, आजा साथ, आजा साथ चल, देख ले भागेगा तो नहीं। नहीं 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 अबे आ ना इधर, मैं समझा रहा हूँ, देखो कब से इधर आ। चल भाई तो आगे रख। अबे यार समोसे लेते हैं यहाँ से, समोसे दिलवा दो मेरे को, आखिरी ख्वाहिश मेरी पूरी करो जल्दी से। आजा ले 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 भाई। भाई समोसे कितने का है? अच्छा 33 रुपए का। तेरे को शर्म आ रही है 33 सुन के? यार मुझे तो लग रहा था महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि महंगाई कम हो जाएगी। अब देख तेरे से बड़े बड़े मुल्क में बैठे हुए हैं, जिनका नाम है शरीफ। मांगने आया मैं, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है भाई, मेरे को ये दिलवा दो यार। हाँ भाई सारी चीजें पैक कर दी। मिस्टर एचडी कुछ खाएगा? और मेरे को पीने के लिए जो है ना, मरने से पहले कोई अच्छी चीज पीना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैश दे दिया क्या? कैश दे दिया यार, मैंने कार्ड दे रहा था, देख इन्होंने कैश क्यों पकड़ा पता है? ताकि इनको टैक्स देना नहीं पड़े। यार कार्ड मेरे को दे देना। बेटा तुझे ATM कार्ड नहीं, तुझे जेल का कार्ड दूंगा, कैदी नंबर 804 बनेगा।
रट्टा बंदा है। तो खान साहब इमदादी तौर पे 6-5 खजूर दे दो यार हमें। ये होता है भाई जबरदस्त, ये जिंदा दिल, जिंदा दिल खान साहब। भाई थोड़े से खजूर दे दो, अजीब भरी बात है यार, हमारे मेहमान है इसके साथ आए। पर इसी तरह बोल बोल के ये बंदा लोगों को लूटता रहता है, लोगों से दोस्तियां नहीं बनाता है, और इसका चेहरा देखे कैसे ये प्यार मोहब्बत से लोगों को पैसे नहीं देता, छोटी छोटी करके अपने घर का पूरा खर्चा खुद ही उठा लेता है। आप लोग देख रहे हो कैसे लोग उसको पसंद करते हैं। यार वो ले जंगल जाना है मुझे, वो ले पीछे होके बात कर, पीछे होके बात कर। वो बेचारा तैमूर भी रो रहा था उस दिन मेरे साथ जब बैठा हुआ था गाड़ी में, यार इतना काम कराता है पैसे नहीं देता, एक रुपए नहीं देता। अबे बच्चों को बांट बांट के मैं थक गया हूँ यार, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर करके थक गया हूँ मैं, किस किस को पैसा दूँ मैं? सारा पैसा तो मैं उन पे खर्च कर चुका हूँ। गरीबों को दो, तुम एक रुपए दोगे तुम्हें अल्लाह ताला 10 रुपए देगा। भाई देख जुनेद, अब जंगल आ गया, अब प्यार मोहब्बत से इसको लेके चलते हैं और इसको जो है अफ्तारी कराते हैं। और मिस्टर एचडी तुम कुछ हरकत मत करना, तुम हमारे साथ साथ ही रहना। जी सर, जैसा आप बोलें सर। जी वेल डन। तो भाई अफ्तारी का टाइम होने वाला है, चलो आज अफ्तारी करते हैं। वहाँ पे चलते हैं भाई, वो अच्छा है, वहाँ पे चलते हैं भाई, बहुत अच्छा है। सामान पकड़ यहाँ पे, ये ले, चल शाबाश, ये भी पकड़, ये भी पकड़, सारा सामान पकड़ाओ इसको। तो गाइस घने जंगलों के अंदर हम लोग अफ्तारी करने आ गए हैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया था लेकिन मैं इनको ट्रैप कर यहाँ पे ले आया। उनको नहीं पता कि इनके लिए ट्रैप है बहुत जबरदस्त। मैं आज दिखाता हूँ आपको सेटअप कितना जबरदस्त किया है, लाइव अफ्तार जंगल के अंदर। और सारा सामान हमारा जा रहा है जंगल के बीचों बीच। मौसम देखिए, काले कबूतर आसमानों पे उड़ रहे हैं। अबे कव्वे हैं वो, कबूतर नहीं है वो। मुझे लगा किसी ने कोयला लगा दिया इन पे। भाई इसमें मिर्चे ज्यादा हैं, चल वापस दे दे फिर हमें। किधर है? चलो भाई अब हम चलते हैं, इसको इसकी सजा देते हैं। जो बात है यार, भाई यार छोड़ दो यार मुझे, भाई जो मार कर तुम लोगों को मिलेगा क्या? तुम्हें मार के हमें दिली सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, यही तो हम चाहते हैं। अबे ओरिजिनल चोरों को तो तुम लोगों ने छोड़ दिया है, मैं तो लोगों की फिर भी मदद करता हूँ। बेटा मदद करने वाले को ही हम जेल में डाल दें। चलो आ जाओ, आ जाओ यार जुलेल, इसको लेके चलते हैं। अबे एक मिनट, मैं आखिरी ख्वाहिश, अबे मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करो यार। यार लोगों को लंदन भिजवा दिया गया है, मेरे को एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते यार? ख्वाहिश मेरी पहले पूरी सुनो यार। चलो बताओ तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? यार मैं तुम दोनों को चैलेंज देना चाहता हूं, क्योंकि आवाम ये समझती है कि तुम लोग ढीले और खच्चर लोग हो। मैं चाहता हूं कि भाई तुम दोनों को मैं चैलेंज दूं। यार लोगों को लगता है कि तुम लोग बहुत ही ढीले और खच्चर लोग हो, मैं आवाम को दिखाना चाहता हूं कि तुम वाकई में दिलेर, मजबूत और ताकतवर लोग हो, इसलिए मैं तुम दोनों को चैलेंज दूंगा। देखते हैं कि तुम लोग चैलेंज कर पाते हो नहीं कर पाते। यार जुनेद ये जो है ना, ये हम लोगों को मीठी मीठी बातें करके ना, ये हमें फिर बातों में अपने लेकर आ रहे हैं, ये फिर भाग जाएगा। इसको इसको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर, इसको तू पकड़, उसको लेके जाने हमने, जिसका काम करना है हमने। अबे ईद आने वाली, ईद का चैलेंज दे रहा हूँ, आप इंटरटेन होगी बहुत ज्यादा, फिर इसके बाद तुम लोग यूट्यूब चैनल संभाल लेना मेरा। और अगर जो तुम बात कर रहे हो और अगर वो पूरी नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तुम तो भाग जाओगे, जखमा देगा जैसे लास्ट टाइम भागे थे। यार इसके चैलेंजेस खत्म ही नहीं होते। चैलेंजेस बोल भाई, बोल क्या चैलेंज है तेरा? चलो भाई ईद के हवाले से चैलेंज है, गाड़ी में चलो और मैं आप लोगों को चैलेंजेस बताता हूँ। आ जाओ, आ जाओ भाई, चल चल तुझे चल यार, तू अपनी अगली ख्वाहिश बता दे यार। कौन सी ख्वाहिश है यार तेरी अगली, जल्दी बता भाई। ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं है, चैलेंज है। तुम दोनों का देखते हैं मुझे सबसे पहले चाय कौन पिलाता है। वो ये कैसा चैलेंज है, ये देखते हैं कौन दोनों, जो भी पिलाएगा वो जीत जाएगा। चल यार जल्दी चाय पिला दे। चल आ यार, असल में मुझे भी पीनी है। तुम दोनों का चैलेंज ये है कि भाई तुम किसी भी मॉल में जाके जो तुम दोनों में से सबसे पहले जिस कलर का तुम दोनों ने ये पहना है ना, जैसे कि ये रेड मैरून और तेरे पास ये मैरून, हाँ। इस कलर का सलवार जिसने भाई मैरून कलर का सलवार कमीज सबसे पहले ले लिया वो जीत जाएगा। गाइस देखते हैं कौन इन दोनों सबसे पहले मैरून कलर का सलवार कमीज लेता है। ईद के लिए जो लेगा 50,000 रुपए का इनाम उसके लिए रेडी। चलो सही है, डन डन। चलो जी, चलो चैलेंज भाई, पहले चाय पिलाते हैं ठीक है, उसके बाद शवा के मिस लेते। यार खाना हजम नहीं हुआ मेरे ख्याल से, समोसे सही नहीं थे यार, पेट में बड़ा जो है ना वो दर्द हो रही है यार। यार मेरे पास एक गोली है, वो मैं तुझे दूंगा तो तेरा खाना हजम हो जाएगा। कौन सी 6 mm। हाँ भाई जुनेद भाई, सुकून मिल गया आपको? हाँ भाई मजा आ गया भाई, इसी कलर के मैं कोई कुर्ता लूंगा और अब चलते हैं मार्केट। चाय गाइस हम लोगों ने पी ली और अब देखते हैं कि इन दोनों में से चैलेंज कौन खत्म करता है, या FBI एजेंट या ये बिल्डर, देखते हैं कौन चैलेंज खत्म करता है हमारा, लेट्स सी। तो बॉयज 50,000 रुपए के लिए आप दोनों का चैलेंज शुरू होता है अब।
सलवार कमीज के लिए पहली शॉपिंग इनकी शुरू हो चुकी है और देखते हैं कि क्या इनको सलवार कमीज मिल पाती है नहीं मिल पाती। इस कलर का ये से थोड़ा डार्क ब्राउन कलर की सलवार कमीज चल जाएगा। ये ब्राउन है, ब्राउन कलर के लिए सलवार कमीज के लिए हाथ बढ़ा दिया है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ऑडियंस बताइए कि क्या ये कलर मैच हो रहा है नहीं हो रहा भाई? ये नहीं कबूल, काबले कबूल नहीं है जुनैद, ऑडियंस नहीं मान रही। थोड़ा बहुत तो चल जाएगा ना भाई, चैलेंज है सेम कलर की इसने सलवार कमीज उठानी है। यार हाँ बोल दो ना यार, मैं बच्चा चल जाएगा यार भाई। ये ऑडियंस मना कर रही है जुनैद, लाइव इस वक्त कमेंट्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कद्दू अलग अलग है दोनों कलर। वैसे इसके प्राइस क्या है? 8,350। ईरानी पाकिस्तानी? अबे साले भाग रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है इनको सलवार कमीज ढूंढने में। मैच हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया ये। अबे ऊपर तो देख ले, ये लेडीज की है। ये देना हमें तेरे वास्ते, नाची रहे दोनों बॉयज जो है वो जुगतबाजी में लगे हुए हैं, लेकिन ड्रेस इनको नहीं मिल पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है, कौन पहले ढूंढेगा। अंदर जा चुके हैं एक और दुकान पर, क्या इनको मिल पाएगी सलवार कमीज? भी फर्क है, डिफरेंस है। क्या तूने चैलेंज दिया, कोई से भी ले लेते, ये कलर कैसा? नहीं सेम टू सेम, ये कलर सेम है, ये सेम है, पीछे तो देख ले। अब तो धोलेगी शेरवानी है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या चैलेंज दी, समझ में भी नहीं आ रहा। दो शॉप मिली है उसके बाद भी हमें ना सेम कलर नहीं मिला अभी तक। यार लड़के सलवार कमीज लेना कोई शॉप बताओ। जेड डॉट चले जाएंगे, उसके पैसे नहीं दे पाएंगे ना, कोई नॉर्मल बताओ, यानी कि 5,000-6,000 में मिल जाएगा सलवार कमीज। सलवार कमीज नहीं मिल पा रही यार। तो गाइस ये कैम्ब्रिज है, अभी हम कैम्ब्रिज में पता करते हैं सलवार कमीज हमें अपने मतलब की मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। कैसे आप कैरियर से? सर एक चैलेंज है, हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि इस कलर की सलवार कमीज चाहिए, तो इस कलर की सलवार कमीज जो है वो मिल जाएगी आपके पास? दिखाइएगा सर, अगर सेम कलर नहीं होगा आपके पास। चले चले ठीक है ब्रदर। इतना बड़ा ओपन मॉल इनके लिए छोड़ दिया है और इनको दिया हमने सिर्फ एक टास्क के मैरून कलर का, मैचिंग के कलर का इनको जो है सलवार कमीज लेना है। देखते हैं कि कौन पहले अपना सलवार कमीज लेता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये शॉप सेम है? जी जी बिल्कुल सेम है सर। इस कलर का सलवार कमीज चाहिए मुझे। मेरा साइज मेरा साइज नहीं होगा? तो भाई कलर तो मिला लेकिन साइज नहीं मिला। टाइम कम है गाइस, फारी हो रही है बहुत ज्यादा गाइस। तो आज मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूँ, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की कर ली है। ये देखो पूरी आवाम बाहर निकली हुई है, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ चुकी है, पाकिस्तान के अंदर से तेल के जखायर मिलने शुरू हो गए, पैसा आवाम के पास भरपूर आ गया। सर बताइए कितना ज्यादा पैसा आ चुका है आवाम के पास? बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है। IMF बोल रहा है कि पाकिस्तान के सारे कर्जे माफ, और IMF पाकिस्तान से कर्जे मांगना शुरू हो गया। लोगों को देखे भरपूर तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं, खर्चे कर रहे हैं। मिनिमम एवरेज जो वेज हो चुकी है पाकिस्तान की 10 लाख रुपए। कैन यू जस्ट इमेजिन 10 लाख रुपए। लोग बहुत ज्यादा परेशान घूम रहे हैं कि हम ले ही क्या, इतना ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है, लोग परेशान है इस वक्त। दुकानें खत्म हो चुकी हैं यहाँ पे लेने के लिए, उन्होंने सारा सामान ले लिया है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कौन सी दुकान से हम शॉपिंग करेंगे, अभी भी पैसे बच चुके हैं उनके पास। बहुत पैसा आ चुका है लोगों के पास गाइस, ये देखें आप। ठीक है जिस तरफ जाते हैं मार्केटों में जाते हैं, चाहे इधर आ जाएं तारिक रोड, हर जगह पे रशी रशी। पाकिस्तान के अंदर गाइस इतना ज्यादा पैसा आ चुका है कि चांद के ऊपर प्रॉपर्टीज मिलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने चांद पे प्लॉटिंग शुरू कर दी है, मार्स के ऊपर प्लॉटिंग शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है आवाम के पास गाइस। मिस्टर SD का चैनल भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर पर जा चुका है और पाकिस्तान का बड़ा चैनल बनने जा रहा है, और बच्चे भी देखो सब्सक्राइबर हर जगह हमारे मिल रहे हैं। हाँ भाई चैनल सारी वीडियोस देख रहे हो तुम लोग? ये देखो कितने अच्छे बच्चे सारी वीडियोस देख रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं जो हमें जानते हैं और फ्री में चीजें हम लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा आ चुका है लोगों के पास। ये बच्चे भी मुझे जूस के डब्बे लाके दे रहे थे कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपके जूस हमसे फ्री में लें, ये लें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो भाई बहुत देर हो रही है भाई, हमें जाना है ऊपर वाले फ्लोर पे, बहुत ज्यादा रश हुआ हुआ है। तो इससे पहले वो चैलेंज में कुछ और दे रहे हैं, हम ऊपर चलते हैं। अबे यार सलवार कमीज नहीं मिल रही यार, बड़ा टाइम लग गया यार, सुबह से लेके शाम हो गई अभी तक सलवार कमीज नहीं मिल रही। मिस्टर SD ने चैलेंज दिया, मैं क्या करूंगा समझ नहीं आ रही यार। सलवार कमीज हो गई, पता नहीं क्या हो गया, अभी तक नहीं मिल रही यार। अजीब तमाशा यार, किधर फंस गया यार मैं यार। अच्छा खासा घर पे आराम कर रहा था मैं यार, चेक करता हूँ यहाँ पे किधर ये अच्छा ये यार आमिर इधर, ये संगे मील में देखता हूँ यार, सलवार संगे मील में सलवार कमीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ पता करता हूँ, यहाँ देखता हूँ यार सलवार कमीज कौन सी इधर। यार यार मुझे ना सलवार कमीज चाहिए मेरून कलर की, यहाँ मिल जाएगी सलवार कमीज इस कलर की? मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी डार्क मेरून हो, इससे थोड़ा सा डार्क मेरून इस मुश्किल है। इसकी क्या प्राइस है? 16,000 का। यार ये मिस्टर SD का चैलेंज है यार, ये पूरा करना है, बस एक्सेप्ट करना है चैलेंज को। गाइस इस वक्त 1.5 घंटा हो चुका है और इनको जो है सलवार कमीज मिलकर नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है कि मार्केट से सलवार कमीज खत्म हो चुकी है। और आप रश देखो कितना बढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रही यार ये सलवार कमीज है या इंसाफ जो मिलकर ही नहीं दे रहा इन लोगों को। यार मिल के नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा भाई। ये भी आ गया बात सुन, किधर किधर यार मिला है तो सलवार कमीज के? यार जेड रोड पे सलवार कमीज इतनी महंगी लगी हुई है, समझ नहीं आ रही यार। एक बात बताऊं, जेड रोड का हम नाड़ा ले लेते हैं। जेड रोड का नाड़ा तुझे पता कितने का है? कितने का है? 2500। नाड़े के साथ कुछ और भी दे रहा है क्या? पैसा बर्बाद। अबे जुनैद मेरी बात सुन, इतनी बॉडी बनाने का फायदा क्या तेरा? क्यों क्या हुआ? अबे वो सामने देख, मॉडल तो वो ले गया।
वैसे ये बता तुझे क्या फायदा हो, तेरी बॉडी भी तो अच्छी है। बस मेरी बॉडी सही है, मुझे मॉडल नहीं चाहिए। चल भाई फाइनली आउटफिटर में चेक करते हैं, शायद शलवार कमीज हमें यहाँ पर मिल जाए। हाँ भाई हे हे हे। हाँ बोल यार, शलवार कमीज यहाँ पे मिलेगी आउटफिटर में? होने तो चाहिए यार, एक चैलेंज है। इसी कलर में चाहिए, जे डॉट में पता है नाड़ा से 2500 का है। ओह माय गॉड, अबे सीन हो गया ये तो यार। काम करते हैं, यहाँ हम कुछ भी कर लें हमें मिलने वाला नहीं है। हम कोई गुस्से मार्केट चलते हैं, गुस्से मॉल चलते हैं, वहाँ मिल सकता है हमें। तो भाई मॉल के अंदर तो कुर्ता नहीं मिल रहा, हमें बाहर चेक करता हूँ, इंशाल्लाह बाहर तो मुझे आराम से कुर्ता मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैरायटीज बहुत ज्यादा है, शॉप्स के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है। आप लोग बहुत मशहूर है, मैंने तो देखा है, बहुत अच्छे खिलते हैं, लगाते हैं आप लोग, बनाते हैं तो और अच्छा बनाया करें। आप लोग नंबर वन है। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि कितना ज्यादा शहर में मैं मशहूर हो चुका हूँ, और हर बच्चा यार, हर कोई देखकर तारीफें कर रहा है यार, क्या सीन है ये। चलो ओके बच्चों, बाय बाय। बच्चों तुमने बहुत टाइट एक्टिंग की है, किसी को पता ना चले कि मैं लोगों को इस तरीके से ना रिश्वत देके अपनी तारीफें करवाता हूँ। ये लो तुम्हारी गिफ्ट, वीडियो डिलीट कर देना, किसी को पता ना चले मैं लोगों को घूस देके जो अपनी तारीफें करवा रहा हूँ। तो भाई डॉलमेंट मॉल में तो हमें कुर्ता नहीं मिला, यहाँ इंशाल्लाह मिल जाएगा, मुझे लग रहा है इस वाले शॉप में मिल जाएगा, इधर चलते हैं। फेवर आइडिया भैया, मैरून कलर का चाहिए, मेरे वाली शर्ट वाले कलर का मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा। प्राइस के मिल जाएगा अलग, कितने तक का है? 2200 वाले भी, 2000 वाले भी। तो मेरे इस कलर का है? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो भाई निकलवा दो भाई। तो फाइनली भाई हमें कुर्ता मिल चुका है, ये देखो भाई ये आ गया, मुझे ये समझ आ रहा है। राफे को वो कुर्ता ना मिले वरना मसला हो जाएगा, चैलेंज पूरा खराब हो जाएगा। मैं मुझे जीतना चाहिए भाई, मेरे जो तो कुर्ता मिल चुका है, अब देखते हैं उसको कुर्ता मिला है या नहीं। हाँ हेलो, हाँ तुम दोनों कहाँ हो? मुझे कुर्ता मिल गया भाई, डॉलमेन मॉल के सामने आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, मेरा चैलेंज हो चुका है कम्प्लीट। तो फाइनली गाइस मैं 50,000 का विनर हो चुका हूँ, मुझे कुर्ता मिल चुका है, सेम कलर था, आ गए। अबे जीत गया तू यार, ये देख। अबे कहाँ से मिला? अबे यार ये जीत गया यार, मुझे जीतना था यार। भाई 50,000 का विनर हो चुका है गाइस, सिर्फ जुनैद। तो भाई 50,000 जल्दी से ढीले करो, जल्दी जल्दी जल्दी, 50,000 रुपए जुनैद भाई, जल्दी 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 करो। हाँ ना भाई, जुनैद भाई ये लो यार आपके जीते हुआ इनाम। अबे ये तो चिल्लर है भाई, चिल्लर पूरी जिंदगी भर की कमाई है मेरी है। अबे यार फिर से तूने टोपी ड्रामे शुरू कर दिया यार, चिल्लर दे दिया मेरे हाथ में, इससे का मैं क्या करूंगा भाई, जल्दी से बता। अबे भाई मैं बताता हूँ, FBI भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई इसको दे दी है, अब आप जानो ये जानो भाई, मैं तो चला। अबे यार अच्छा हुआ भाई तू ही जीता, मैं नहीं जीता, ये अच्छा हुआ, तुझे इनाम तुझे ही मुबारक हो भाई। तो गाइज यहाँ पर ही हम लोग अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, और रश देखें आप बहुत ज्यादा इस वक्त, पाकिस्तान कितनी तरक्की कर चुका है, IMF लोन मांगने पर आ गया पाकिस्तान से, इतने लोग बाहर निकले हुए, और अब हम भी घर पे जाते हैं क्योंकि हमने पैसा कमाना है, क्योंकि एज यू नो कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि FBI वाले भाई हमारे पास मुसलसल आ रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपने एक्टिंग दिखा रहे हैं। जुनैद भाई तो वैसे ही बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में। उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो भाई लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।